ये जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त प्रीमियर की गुंडागर्दगी, इन्होंने लिखा होगा कि नहीं चलेगी, प्रीमियर वालों के खून की होली खेलने खेलना बंद करो। हाँ जी, ये अभी आप जो देख रहे हैं ये वाल्टन रोड का एरिया है और यहाँ पे कल एक 12 साल का बच्चा स्कूल जाते हुए जिसको बस ने रोन डाला और उसका दिमाग बाहर आ गया और उसको रोड पे पड़ा हुआ था, उसको शॉपर में रख के दफनाया गया और उसी के खिलाफ यहाँ पे एक एहतजाज हो रहा है। बड़ा पुरमन एहतजाज है और मगर ये एक प्रीमियर बस वालों का जो ड्राइवर था उसने एक चलते हुए बच्चे को जो कि सुबह स्कूल जाने के लिए जा रहा था उसको अपनी बस के टायर के नीचे रोन डाला और उसकी उसी वक्त डेथ हो गई जो कि कल उसको दफना दिया गया है। उसी की वजह से यहाँ पे एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी रोड है जो कि वाटर रोड के एरिया में और बड़े खूबसूरत रोड है और इस पर गाड़ियों की स्पीड इतनी ज़्यादा है और यहाँ पे जो स्कूल है वो रोड के दूसरी तरफ है जिसमें बच्चे स्कूल जाने के लिए और वो स्कूल जाने के लिए जब बच्चे आते हैं तो वो उनको इसी रोड से पैदल क्रॉस करना पड़ता है जहाँ पे गाड़ियों की स्पीड का जो है तकरीबन 80 से 100 स्पीड होती है। यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक फ्लाई ओवर बनाए जो कि बच्चों के लिए आने जाने वाला यहाँ फ्लाई ओवर हो या अंडर पास हो जिससे बच्चे इजीली जा सकें और गुजर सकें।